हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 की प्रश्नावली 9-10-1 में आपका स्वागत है। तो आइए प्रश्न नंबर 11 से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए आकृति को समझते हैं। ये एक टावर है जिसकी ऊंचाई h हमने मान ली। टावर के ठीक सामने नहर के दूसरे तट पर, ये नहर का एक तट है, ये नहर का दूसरा तट है। इस तट पर इस बिंदु से टावर के शिखर का, इस बिंदु से देखने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, सी बिंदु से चल के हम गए डी की तरफ 20 मीटर दूर, इस बिंदु से देखने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से ये है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ए बी और नहर की चौड़ाई बी सी हमें बतानी है। मान लिया कि माना टावर की ऊंचाई h मीटर, नहर की चौड़ाई मान लिया हमने है x मीटर, जो है पी सी एक्स मीटर। आकृति को एक बार दोबारा से देखिए। ये एक टावर है, ये नहर के इस तट के ऊपर खड़ा है जिसकी ऊंचाई हमने मान ली h मीटर। इस टावर से किस ठीक सामने दूसरे तट पर, नहर का जो दूसरा तट है बिंदु C, वहाँ से देखने पर कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। फिर इस बिंदु से इसी दिशा में 20 मीटर चलने पर, यहाँ से D तक चल के गए, दूरी हमारी 20 मीटर, 20 मीटर चलने पर यहाँ पहुँच गए D के ऊपर, यहाँ से देखने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 से घट के 30 डिग्री हो गया है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई है बी सी, जिसको हमने मान लिया एक्स, तो हमें एच और एक्स का मान निकालना है। पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में जो एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये कोण के सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है और ये आधार, तो लंब बटे आधार टेंजेंट, टेंजेंट थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। हम यहाँ लिख लेते हैं एल के ए, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा। हमारा टेंजेंट थीटा हो जाएगा ए बी बटे बी सी, लंब है ए बी, आधार है बी सी। मान रखेंगे टेंजेंट थीटा यानी 60 डिग्री बराबर ए बी है एच बटे बी सी, बी सी को हमने मानना है एक्स। टेंजेंट 60 की वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल 3 बराबर एच बटे एक्स, और यहाँ से एच का मान आ जाएगा आर पर गुणा करने पर वर्गमूल 3 x। आगे करेंगे, अब त्रिभुज लेंगे हम दूसरी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, लंब बटे आधार,
टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री है, लंब है यहाँ पर ए बी, ए बी को हमने मान रखा है एच बटे आधार, आधार है यहाँ पर बी डी, ये आधार है इस त्रिभुज के अंदर, ए बी डी त्रिभुज में आधार होगा बी डी, और बी डी जो हमारा है वो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये हो जाएगा एक्स जमा बीस, बी डी हो जाएगा एक्स जमा बीस, तो एच बटे बी डी यानी एक्स जमा बीस। टेंजेंट 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटे एक्स जमा बीस, आर पार गुणा करने पर यहाँ से एक्स जमा बीस बराबर हो जाएगा एच वर्गमूल 3। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम मान निकालेंगे, तो यहाँ से एच जो हमारा है उसका मान देखो कितना। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से एच का जो मान है वो समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 1 से एच का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो एच का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है एक्स जमा बीस बराबर एच वर्गमूल 3, और एच का मान है वर्गमूल 3 एक्स, तो जहाँ पर एच था वहाँ पर हमने वर्गमूल 3 एक्स रख दिया, गुणा में है वर्गमूल 3। इसको आगे हल करेंगे, एक्स जमा बीस बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 एक्स, और यहाँ से एक्स को उधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 20, और आगे हल करने पर x का मान हो जाएगा 20 बटे 2, 20 को हम 2 से भाग देंगे क्योंकि इधर x के साथ 2 गुणा में है, बराबर से उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 20 बटा 2 यानी कि 10, x का मान हमारा आ गया 10। अब ये x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें अभी h का मान निकालना है, अभी हमारा x का मान आया, h का मान अभी बाकी है, तो h का मान निकालने के लिए हमें x का मान रखना पड़ेगा, तो इसमें मान रखिए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 है हमारा h बराबर वर्गमूल 3x, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3x, तो वर्गमूल 3 गुणा x, x का मान है 10, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 10 वर्गमूल 3, तो ये h का मान आ जाएगा, इसलिए टावर की ऊंचाई हो जाएगी, टावर की ऊंचाई बराबर एच मीटर, एच का मान हमने निकाल दिया 10 वर्गमूल 3 मीटर, और नहर की चौड़ाई हो जाएगी जो हमने मानी थी एक्स मीटर, और एक्स का मान हमने निकाला है 10, तो नहर की चौड़ाई हो जाएगी 10 मीटर। ये सवाल यहाँ पर पूरा होता है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 12 को करते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आकृति को समझते हैं पहले, ये एक टावर है जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, उसको हमने मान लिया h मीटर,
इसके सामने एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इस भवन के शिखर से, यहाँ से इसको हमने कोई नाम दे दिया बी, तो बिंदु बी से, भवन का शिखर है बिंदु बी, वहाँ से देखने पर केवल टावर के शिखर का, इसको मैं नाम दे दिया सी, इसको डी। तो बिंदु बी से देखने पर सी की तरफ जो कोण है वो 60 डिग्री है, यानी यहाँ से देखने पर सी की तरफ देख रहा है ऊपर की तरफ, तो ये कोण जो बनेगा वो है 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन, क्षितिज रेखा खींचते हैं बी के बिल्कुल सामने, यानी जो आँख का सतह है, दृष्टि सतह बोलते हैं जिसको, तो एक हमने ये रेखा खींच ली। यहाँ से देखने पर, बी बिंदु से देखने पर ऊपर की तरफ सी की तरफ, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर उन्नयन कोण, ये है 60 डिग्री का। फिर इसी बिंदु बी से, भवन के शिखर से, इस टावर के पाद बिंदु यानी इसके तली की तरफ, नीचे की तरफ देखने पर, बिंदु डी की तरफ देखने पर कोण जो बनता है वो है 45 डिग्री। यहाँ से देखने पर इधर की तरफ, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो कोण बनेगा अवनमन कोण, और वो कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो ये जो कोण है ये है 45 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आपको आकृति अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस सवाल को करते हैं, हमें टावर की ऊंचाई बतानी है। ये कोण 45 डिग्री का है अवनमन कोण, तो ये कोण जो है ये भी होगा 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एक क्षितिज रेखा है ए डी के, तो ए डी, इसको हमने नाम दे दिया ई। ए डी और बी ई दो समांतर रेखाएं हो गई, और ये जो बी डी है एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर हो जाएंगे। जब ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने का होगा? 45 डिग्री का। तो ये हमारा हो जाएगा उन्नयन कोण। तो माना टावर की ऊंचाई, हमें टावर की ऊंचाई बतानी है, उसको हम मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई है h मीटर, जो हमें ज्ञात करनी है। फिर हम लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज हमारे पास है ए बी डी और एक त्रिभुज है सी बी ई। ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज समकोण है। तो त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण हमारे पास 45 डिग्री का है। सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार, तो लंब बटे आधार टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब है हमारा ए बी, आधार है ए डी, मान रखेंगे टेंजेंट थीटा का मान है 45 डिग्री, बराबर ए बी, ए बी यहाँ पर है 7, जो भवन की ऊंचाई है दी हुई हमें, बटे ए डी, ए डी को हमने ए डी रखा। टेंजेंट 45 होता है 1/7 बटे ए डी। यहाँ से आर पार गुणा करेंगे, ए डी बराबर आ जाएगा 7, यानी हमारे पास ए डी की ऊंचाई या ए डी की लंबाई 7 मीटर आ गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 मीटर। ये अगर 7 मीटर है तो ये बी ई भी कितना होगा? 7 मीटर। ए डी 7 है, इसलिए जो बी ई है वो भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर, क्योंकि ए डी और बी ई दोनों समान हैं। तो ए डी 7 है तो बी ई भी 7 हो जाएगा। अब त्रिभुज लेंगे हम दूसरी, तो समकोण त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी के अंदर देखते हैं, बी ई सी जो एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर हमें लंब बटे आधार टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट थीटा बराबर होगा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, यानी सी ई
बटे आधार, इसमें आधार कितना है, आधार है बी ई, मान रखेंगे थीटा का मान 60 डिग्री बराबर सी ई, सी बटे बी ई, बी हमने अभी निकाला है, बी है 7। टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर सी ई बटे 7। आर पार गुणा करेंगे, यहाँ से हमारे पास सी ई बराबर आ जाएगा 7 वर्गमूल 3। सी ई का मान हमने निकाल लिया जो है 7, 7 वर्गमूल 3 है सी ई का मान। हमें टावर की ऊंचाई बतानी है, टावर की ऊंचाई हमारे पास h, और h बराबर है देखो आकृति में, जो h है वो बराबर होगा यहाँ से सी ई जमा डी ई। आकृति के अंदर देखिए h जो है टावर की ऊंचाई वो बराबर होगी सी ई जमा डी ई, तो लिखेंगे हम h बराबर सी ई जमा डी ई। सी का मान हमने निकाला है अभी 7 वर्गमूल 3 जमा डी ई, डी ई हाइट है वो है ए बी के बराबर। आकृति में देखिए जो डी ई है, डी ई वो बराबर है ए बी के, क्योंकि हमने ये लाइन जो बी ई खींची है वो ए बी के, ए डी के क्षितिज में समानांतर खींची है, तो जो हमारा डी ई बराबर होगा ए बी, और ए बी है भवन की ऊंचाई जो है 7, तो ये 7 है तो डी ई भी हो जाएगा 7, तो एच बराबर हो जाएगा 7 वर्गमूल 3 जमा 7। 7 यहाँ से कॉमन लेंगे, वर्गमूल 3 जमा 1, तो ये हमारी हो जाएगी टावर की ऊंचाई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई बराबर होगी 7 गुणा वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर। ये सवाल यहाँ पर पूरा होता है। प्रश्न संख्या 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति के अंदर ये समुद्र तल है ए डी, यहाँ पर एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर। अब यहाँ से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर, लाइट हाउस का शिखर है बिंदु बी, बी से देखने पर नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो कोण बनेगा अवनमन कोण। तो बी से देखने पर दो समुद्री जहाज़ जो है मान लो सी बिंदु पर और दूसरा है डी बिंदु पर, एक बिंदु सी पर जहाज़ है दूसरा उसके ठीक पीछे बिंदु डी पर है, तो बिंदु बी से शिखर से देखने पर सी की तरफ और डी की तरफ अवनमन कोण बनते हैं 30 और 45 डिग्री। तो ये हम एक लाइन खींच लेते हैं ए डी के समानांतर। बिंदु बी से देख रहे हैं सी की तरफ तो कोण बनेगा, एक तो ये बी से देखेंगे डी की तरफ, दूसरा कोण हो जाएगा ये। तो पहला कोण जो है 30 डिग्री का बिंदु बी से डी की तरफ देखने पर ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये कोण बनेगा यहाँ पर जो है 30 डिग्री। फिर इसी बिंदु बी से सी की तरफ देखने पर, यहाँ से देखेंगे सी की तरफ तो हमारा कोण बनेगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो होगा 45 डिग्री का। ये दोनों ही कोण अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर हमेशा अवनमन कोण बनता है।
इनको उन्नयन कोण में बदलेंगे। ये कोण है 30 डिग्री, ये एक रेखा है, इसको कोई भी नाम दे दे, ई कह देते हैं इसको। बी ई समानांतर है ए डी के, और ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये कोण जो होगा हमारा, ये वाला कोण, वो इस कोण के बराबर होगा। ये कोण, कोण 30, ये हो जाएगा कोण 30 डिग्री। इसी प्रकार ये कोण 45 है, ये कोण 45 है, तो ये कोण बनेगा उन्नयन कोण 45 डिग्री। एक बार दोबारा से देखिए, ये कोण 30 डिग्री है, अवनमन कोण, इसको बदल लिया उन्नयन कोण में। जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ये कोण जो है यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, तो ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अब सवाल को हल करते हैं। हमें बताना है दो जहाज़ों के बीच की दूरी। जहाज है बिंदु सी पर, दूसरा है बिंदु डी पर, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी सी डी। जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर होगी सी डी, और जिसको हमने मान लिया एक्स मीटर, मान लिया वो है एक्स मीटर। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमारे पास दो हैं। पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, इस त्रिभुज के अंदर कोण है 45 डिग्री का, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ए सी को हमने वाई मान लिया, ए सी जो दूरी है उसको हमने मान लिया कि वो वाई मीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी के अंदर टेंजेंट लगाएंगे, लंब और आधार है तो टेंजेंट लगेगा। टेंजेंट थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब यहाँ पर है ए बी, आधार है ए सी, मान रखेंगे टेंजेंट थीटा का मान है 45 डिग्री बराबर ए बी, ए बी हमारा है 75, जो लाइट हाउस की ऊंचाई है दी हुई है, बटे ए सी, ए सी को हमने मान लिया वाई। टेंजेंट 45 का मान होता है 1, 75 बटे वाई, आर पार गुणा करेंगे, वाई का मान यहाँ से आ जाएगा 75 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास ए सी जो दूरी है वो 75 मीटर आ गई है। अब हमें निकालनी है इस सवाल के अंदर सी डी, जहाज के बीच की दूरी। तो दूसरे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जो एक समकोण त्रिभुज है, लंब बटे आधार, टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब है यहाँ पर ए बी, और इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा ए डी। बड़ी त्रिभुज के लिए, ए बी डी त्रिभुज के लिए आधार होगा ए डी, जो हमारा है ए डी, मान रखेंगे। टेंजेंट थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर ए बी, ए बी है 75 बटे ए डी, ए डी हमारा हो जाएगा एक्स जमा वाई, ये ए डी है, ये बराबर होगा एक्स जमा वाई, मान रखेंगे। टेंजेंट 30 का मान 1/√3 बराबर 75/x/y, आर पार गुणा करने पर एक्स जमा वाई बराबर 75√3। हमारे पास यहाँ से एक्स जमा वाई का मान 75√3 आया है। इसके बाद हमें निकालना है एक्स का मान, जो है दो जहाज़ों के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, y का जो मान है 75 वो इसमें रख देंगे, इस समीकरण के अंदर, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हमने पहले निकाल रखा है, उसका जो मान है वो
समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो आइए मान को रखते हैं x जमा y, और y का मान है 75 बराबर 75 वर्गमूल 3। हमने क्या किया है, सिर्फ y का जो मान था वो इस समीकरण में y की जगह रख दिया है। इसको आगे हल करेंगे, 75 उधर लेके जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 75 वर्गमूल 3 घटा 75, और यहाँ से x का जो मान है वो आ जाएगा, दोनों में 75 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा वर्गमूल 3 और यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 75। वर्गमूल 3 का मान होता है दशमलव में 1.732 घटा 1, 75 जब घटाएंगे इसको तो ये बचेगा हमारे पास 0.732। इसको आगे हल करेंगे, दोनों के आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर यह आएगा 54.9। अतः जहाज़ों के बीच की दूरी, जो दूरी है जहाज़ों के बीच की, वो आ जाएगी 54.9 मीटर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 14, 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षितिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को समझने के बाद अब हम आकृति पर ध्यान देते हैं। ये एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, एक 1.2 मीटर। ये सामने एक बिंदु F है, यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा आकाश के अंदर। बिंदु A से देखने पर F की तरफ, बिंदु A से F बिंदु के ऊपर गुब्बारा है, वह उसकी तरफ देखने पर आँख का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री, यानी कि ये यहाँ से देखने पर ये जो कोण बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमने नीचे एक क्षितिज लाइन खींची ज़मीन के ऊपर BD, उसके बाद यहाँ से देखने पर, बिंदु A से देखने पर F की तरफ, ये जहाँ पर F है यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पर देखने पर ये जो कोण बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कोण है 60 डिग्री का। उसके बाद कुछ समय पश्चात गुब्बारा है वो यहाँ से उड़ करके क्षितिज रेखा में और यहाँ बिंदु E पर पहुँच जाता है। यहाँ पर जाने के बाद अब इस बिंदु A से A की तरफ देखने पर जो उन्नयन कोण बनेगा ये कोण, ये 30 डिग्री है। अब हमें ये बताना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। गुब्बारा पहले बिंदु F के ऊपर था, उड़ करके फिर वो बिंदु E पर पहुँच गया, तो दो गुब्बारों के बीच की जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी, वो है एफ ई, और एफ ई या फिर कहें सी डी। तो हमें सी डी दूरी बतानी है। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर एक्स मीटर, ये दूरी है गुब्बारे द्वारा तय की गई, और ये बराबर होगी सी डी के, और सी डी बराबर मान लिया हमने एक्स के, तो हमें एक्स का मान निकालना है। पहले हम त्रिभुज लेंगे ए, इसको कोई नाम देते हैं, इस बिंदु को एफ, इसको बिंदु को नाम दे दिया जी, नहीं एफ हमारे पास है, इसको हम ले लेते हैं बिंदु एच, एफ क्योंकि पहले लिया हुआ है।
त्रिभुज ए जी एफ में, ए जी एफ में जो एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर टेंजेंट लगाएंगे। टेंजेंट थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ए जी एफ, ए जी एफ त्रिभुज के अंदर कोण है 60 डिग्री और लंब हो जाएगा इसमें एफ जी बटे आधार, आधार हो जाएगा ए जी। मान रखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री बराबर एफ जी। अब देखिए यहाँ से समझिए, ये जो दूरी है डी ई ये है 88.2 और हमारे पास जो एच डी है यहाँ से लेकर के एच से लेकर के डी तक की दूरी, ये बराबर होगी दूरी ए बी के बराबर और ए बी हमारे पास है 1.2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी एच से लेकर के डी तक की दूरी हो जाएगी 1.2 और ये सारी है 88.2। तो हमारे पास डी एच कितना बचेगा, डी ई जो है वो बराबर है डी एच जमा एच ई। ध्यान से समझना इसको, जो डी ई हमारे पास है ये है डी एच और एच ई का जोड़। डी ई हमारे पास है पूरी 88.2, डी एच, डी एच जो दूरी है वो बराबर हो जाएगी ए बी के और ए बी हमारा है 1.2 जमा एच ई, एच ई हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास एच ई का मान हो जाएगा 88.2 घटा 1.2 ये आ जाएगा 87 मीटर। तो एच ई जो हमारे पास है ये हो जाएगी, इस सारे में से ये घटाएंगे तो ये बचेगी, तो 88.2 में से घटाएंगे हम 1.2 तो बचेगा 87 मीटर। तो एच ई का मान हो जाएगा 87 मीटर। तो आगे लिखेंगे ये एफ जी, अब इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं ए जी एफ के अंदर, तो ए जी एफ के अंदर जो एफ जी है वो और एच ई एक ही है, जो एच ई होगा उतना ही एफ जी होगा और जितना डी ई होगा उतना ही एफ सी होगा। तो यहाँ से एफ जी बराबर होगा ई एच और ई एच हमारे पास है 87 बटे ए जी, ए जी ये बराबर है बी सी और बी सी को हमने मान लिया वाई, तो बटे वाई। टेंजेंट 60 का मान हो जाएगा वर्गमूल 3 बराबर 87 बटे वाई, आर पर गुणा करने पर वाई गुणा वर्गमूल 3 बराबर होगा 87 और यहाँ से वाई का मान हो जाएगा 87 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमारे पास वाई का मान आ गया 87 बटे वर्गमूल 3। अब दूसरी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए एच ई में, ए एच ई टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब हमारा है एच ई या ई एच बटे आधार, आधार है ए एच। टेंजेंट थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर ई एच, ई एच हमारा है 87 बटे ए एच, ए एच यहाँ से हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ए एच, ये ए एच बराबर होगा बी डी के और बी डी बराबर है एक्स जमा वाई, इसको लिख देंगे हम एक्स जमा वाई।
दोबारा से देखिए, ई एच का मान हमारे पास है 87 बटे ए एच होगी ये दूरी, और ये दूरी बराबर है बी डी के, और बी डी को हमने मान रखा है एक्स और वाई का जोड़, तो ये हो जाएगा एक्स जमा वाई। टेंजेंट 30 का मान होगा 1/3 बराबर 87/x/y। आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करने के बाद ये आएगा एक्स जमा वाई बराबर 87√3। इसको हमने मान लिया समीकरण एक। वाई का मान समीकरण एक में रखने पर इसका मान रखेंगे हम, y का मान हमारे पास है 87√3। तो आइए इसके अंदर मान रखते हैं x जमा y, समीकरण एक में मान रख रहे हैं हम y, y का मान है 87√3 बराबर 87√3। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 87√3, ये उधर जाएगा घटा 87√3। आगे हल करते हैं इसको, थोड़ा सा लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आएगा यहाँ पर हमारा √3, एक का और √3 का लघुत्तम आएगा √3। माफ करेंगे इसको, ये हो जाएगा 87√3 गुणा √3 माइनस 87, और ये यहाँ से आएगा √3 × √3 3, तो 87 × 3 घटा 87√3। यहाँ से हम 87 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3 घटा 1/√3, 3 में से गया 2, 87√2/√3, और ये हमारे पास हो जाएगा 174√3। नीचे वर्गमूल है तो इसको हम प्रीमेकरण कर देंगे, प्रीमेकरण करने के बाद ये हो जाएगा 174√3, इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा, ये गुणा किया हमने, ऊपर आएगा 174√3 और नीचे आएगा √3 × √3 3, ये कट जाएगा यहाँ से, 3 × 5 = 15, 2 × 3 = 24, तो यहाँ से आएगा 58√3। तो x का मान हमारे पास आ गया 58√3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, कोई मीनार है हमारे पास ए बी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी जो कार है वो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद कार है उसका अवनमन कोण है वो 30 से बढ़कर के 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से, यानी वो बिंदु जहाँ पर कोण 60 डिग्री हुआ है, उस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो सवाल को समझने के बाद हम आकृति पे आते हैं। ये एक राजमार्ग है
एसी कह सकते हैं, कोई भी एक राजमार्ग है ये एसी की दिशा में। तो यहाँ से ये एक टावर मीनार है ए बी, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम, ऊंचाई हमें दी हुई नहीं, इसको मान लेते हैं एच मीटर। यहाँ पर इसके शिखर पर बिंदु बी के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो यहाँ से देखता है राजमार्ग की तरफ, एक कार है बिंदु सी के ऊपर, वो यहाँ से बिंदु बी से सी की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, बी से सी की तरफ, यहाँ से देखता है सी की तरफ, तो कोण है 30 डिग्री का, ये उसकी आँख का सतर हो जाएगा, दृष्टि सतर। तो ये जो कोण बनेगा ये कोण है 30 डिग्री, और जो कार है वो मीनार के पाद की तरफ यानी बिंदु ए की तरफ आ रही है, जो कार है वो बिंदु ए की तरफ आ रही है। 6 सेकंड के बाद वो कार बिंदु सी से चलकर मान लो कि बिंदु डी पर पहुंच गई। अब यहाँ से अब बिंदु बी से मीनार के शिखर से देखने पर बिंदु डी की तरफ कोण है वो 60 डिग्री हो गया, यानी ये जो कोण है हमारा बिंदु बी से हम देख रहे हैं बिंदु डी की तरफ, तो ये जो कोण है कोण बनेगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये कोण है 60 डिग्री। तो ये कोण अब 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब इस बिंदु से बिंदु डी से इस बिंदु से कार हमारी बिंदु सी से चल करके बिंदु डी पर आ चुकी है। अब डी बिंदु से मीनार के पाद तक यानी कि बिंदु ए तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बिंदु सी से डी तक लिया गया समय है 6 सेकंड। हमें बताना है कि बिंदु डी से चल कर के कार बिंदु ए तक कितने समय में पहुंचेगी, तो इसका हमें समय कितना है वो बताना है। तो आकृति को समझने के बाद सवाल को हल करते हैं। ये कोण हमारा है अवनमन कोण 30 डिग्री, तो ये कोण हो जाएगा उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये कोण हमारा है 60 डिग्री, तो ये कोण भी हो जाएगा उन्नयन कोण 60 डिग्री। त्रिभुज लेंगे हम पहले ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी के अंदर टेंजेंट थीटा बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लंब है जो वो दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको ले कर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो सवाल है जो प्रश्न है उसके अनुसार हमें मतलब है इससे कि ये जो ए डी है ये यहाँ पर कितना है, इसकी दूरी का हमें अंदाज़ा लगाना है, पता लगाना है। इस सवाल के अंदर हमें समय दिया हुआ है, दूरी नहीं दे रखी, तो हमें ये पता करना है कि सी से डी तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगा है, तो डी से ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर हमें ए डी की दूरी पता चल जाए तो हम उससे बता सकते हैं कि समय कैसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दूरी तो हम नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे ए डी में और सी डी में कोई संबंध ढूंढेंगे कि इस ए डी में और सी डी में क्या संबंध है। ये जो सी डी दूरी है वो ए डी के बराबर है या उससे आधी है या उससे दुगनी है, इनके बीच में ए डी और सी डी के बीच का कोई संबंध ढूंढेंगे, फिर सवाल को हल करेंगे। तो हम टेंजेंट थीटा लेते हैं, टेंजेंट थीटा बराबर होगा त्रिभुज ए बी डी में लंब बटे आधार, लंब है हमारा ए बी जिसको हमने एच मान लिया, आधार है यहाँ पर ए डी, तो टेंजेंट थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर एच बटे ए डी। आर पार गुणा करने पर पहले हम मान रखेंगे 60, टेंजेंट 60 का मान 1/3 बराबर
एच बटा ए डी। यहाँ से आर पर गुणा करेंगे, आर पर गुणा करने पर ये एच का मान आ जाएगा वर्गमूल 3 ए डी। यहाँ से हमारे पास एच का मान आ गया वर्गमूल 3 ए डी। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, बड़ी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी के अंदर टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, एच बटे आधार, आधार यहाँ पर है ए सी, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर एच बटे ए सी। ए सी जो हमारे पास है, ए सी को हम लिख सकते हैं ए डी जमा डी सी। ये जो ए सी था, इस ए सी को हमने लिख लिया ए डी जमा डी सी, इसको तोड़ करके लिख लिया हमने ए डी और डी सी के अंदर। यहाँ से टेंजेंट 30 है जो उसका मान हो जाएगा 1/√3 एच बटा ए डी जमा डी सी। आर पर गुणा करने पर ए डी जमा डी सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 एच। अब यहाँ से हम ऊपर एच का मान इसके अंदर रखेंगे, इसको समीकरण एक कह दिया, तो समीकरण एक में एच का मान रखने पर जो मान है एच का, वो समीकरण एक में रखने पर, तो मान रखते हैं ए डी जमा डी सी बराबर वर्गमूल 3 गुणा एच, एच का मान है वर्गमूल 3 ए डी। ये गुणा करने पर दोनों की ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 ए डी। तो हमारे पास आ गया ए डी जमा डी सी बराबर 3 ए डी। इस ए डी को इधर ले आएंगे तो डी सी बराबर हो जाएगा 3 ए डी घटा ए डी, 3 ए डी घटा ए डी हो जाएगा 2 ए डी। तो डी सी बराबर हमारे पास आ गया 2 ए डी के बराबर। डी सी है जो वो है 2 ए डी के बराबर। ये जो डी सी है ये 2 ए डी के बराबर है, यानी कि ए डी का दुगुना है, लेकिन हमें तो ए डी चाहिए, हमें क्या चाहिए ए डी। तो इस समीकरण से यहाँ से ए डी क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा डी सी बटे 2। तो हमने यहाँ संबंध निकाल लिया है कि ए डी और डी सी में क्या संबंध है, ए डी है वो डी सी का आधा है, ये जो ए डी दूरी है ये इस डी सी दूरी की आधी है। तो अब यहाँ से हम आगे प्रश्न को हल करेंगे। अब समझिए सी से डी तक की दूरी है जो है उसको तय करने में कार को 6 सेकंड का समय लगा है, इस दूरी को तय करने में 6 सेकंड का समय लग गया है, और ये जो दूरी है डी ए इसको तय करने में हमें समय निकालना कितना लगेगा, जबकि ये जो दूरी है डी ए ये इस सी डी का आधा है। तो अगर ये दूरी मान लेते हम कि ये दूरी हमारे पास है 100, ए सी है जो, सॉरी जो हमारे पास सी डी है वो 100 है, सी डी जो दूरी है वो 100 है और ए डी है इसकी आधी, तो ये हो जाएगी 50। तो इसको तय करने में अगर 6 सेकंड लग गया है तो उससे आधी दूरी को तय करने में समय भी आधा लगेगा। तो ए डी दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा 6 सेकंड का
आधा यानी कि 3 सेकेंड, क्योंकि ये दो दूरी है ए डी, ये सी डी दूरी की आधी है। तो सी डी दूरी को तय करने में अगर 6 सेकंड लगे हैं तो उससे आधी दूरी को तय करने में समय आधा लगेगा, यानी 6 सेकंड का आधा 3 सेकंड। तो ये प्रश्न यहाँ पर सॉल्व होता है। प्रश्न संख्या 16 को हल करते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस प्रश्न में हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करनी है। तो आइए आकृति पे चलते हैं। ये एक मीनार है ए बी, इसका आधार है ए, तो एक सरल रेखा ए डी है। इस आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है सी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4 मीटर। फिर एक दूसरा बिंदु है इसी रेखा पर डी, जो इस आधार से 9 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 9 मीटर है। इन दोनों बिंदुओं से, बिंदु सी और बिंदु डी, इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ से बिंदु सी से मीनार के शिखर का कोण ये बनेगा, बिंदु डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हो जाएगा। अब हमें दिया है कि ये दोनों कोण हैं वो पूरक कोण हैं। यहाँ पर हमें कोण नहीं दे रखे, सिर्फ ये बताया गया है कि दोनों कोण पूरक कोण हैं। तो हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। कोई भी दो कोण जिनका जोड़ 90 के बराबर है तो वो दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। तो हमने मान लिया ये जो पहला कोण है ये थीटा है, तो हमारा दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये कोण थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलो समझते हैं इसको। दो कोणों का जोड़ 90 है, उसमें से अगर एक कोण 40 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा, 50 का, यानी कि 90 घटा पहला कोण। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, उसमें से एक कोण 40 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा, 50 डिग्री का, यानी कि 90 घटा पहला कोण, 90 घटा 40। तो यहाँ पर हमारे पास पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमने दोनों कोण निकाल लिए, एक कोण है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा। इन दोनों कोणों को हम जोड़ करके देखेंगे, 90 माइनस थीटा जमा थीटा, तो ये आएगा आपके पास 90। ये दोनों पूरक कोण है, एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ए बी हमें 6 मीटर बताना है कि ए बी की जो ऊंचाई है वो हम मान लेते हैं कि ए बी की ऊंचाई एच मीटर है, और हम दिखाएंगे कि h का जो मान है वो 6 मीटर के बराबर है। तो आइए इसको सवाल को हल करते हैं। त्रिभुज, यहाँ पर हमारे पास समकोण त्रिभुज दो हैं, तो पहली त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, टेंजेंट थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब है ए बी, आधार है ए सी, मान रखेंगे टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास थीटा ही है, ए बी, ए बी हमने माना है एच बटे ए सी, ए सी हमारे पास है 4 दिया हुआ है। यहाँ से ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी डी में, दूसरी त्रिभुज पर चलते हैं, ए बी डी में टेंजेंट थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार, लंब है यहाँ पर ए बी, आधार है यहाँ पर ए डी, जो दिया हुआ है नो, मान रखते हैं टेंजेंट थीटा, थीटा यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, ध्यान देना यहाँ पर जो थीटा है वो 90 माइनस थीटा है, ये बराबर होगा ए बी, ए बी है यहाँ पर एच बटे नो, इसको आगे हल करेंगे टेंजेंट 90 माइनस थीटा। थोड़ा पीछे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट को जब हम 90 में से थीटा को 90 में से घटाएंगे तो जो टेंजेंट होता है वो कोट में बदल जाता है, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा बदल करके हो जाएगा कोट थीटा बराबर एच बटे नो, ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, दोनों समीकरणों की आपस में गुणा करेंगे, समीकरण 1 है टेंजेंट थीटा, उसका जो बायां पक्ष है टेंजेंट थीटा उसकी गुणा करेंगे कोट थीटा से बराबर, समीकरण 1 का दायां पक्ष है एच बटे चार, इसी प्रकार समीकरण 2 का दायां पक्ष है एच बटे नो, तो गुणा करने के बाद ये आएगा टेंजेंट थीटा गुणा कोट थीटा, कोट होता है एक बटे टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा, कोट कोट का उल्टा टेंजेंट, तो कोट हो जाएगा एक बटा टेंजेंट थीटा बराबर एच गुणा एच, एच का वर्ग, चार गुणा नौ 36, टेंजेंट ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक बराबर एच बटा 36, एच स्क्वेयर बटा 36, आर पार गुणा करने पर एच स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 36 के, यहाँ से एच का मान होगा वर्गमूल 36, यहाँ से दोनों तरफ हमने वर्गमूल किया तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, एच बचेगा 36 का वर्गमूल, एच बराबर यहाँ से आएगा 36 का वर्गमूल, हमारे पास होगा प्लस माइनस 6, दो मान आएंगे एक प्लस और एक माइनस। अब हमारे पास h है दूरी, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हम इसका जो माइनस का मान उसको नहीं लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास h का मान हम लेंगे सिर्फ धनात्मक 6, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो अतः h हमने माना था मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो ये हमारा प्रश्न सवाल यहाँ पर समाप्त होता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।